हम इस समय चालू कर दिया, हम इस समय मौजूद हैं भजनपुरा थाने के पास, जहां भजनपुरा थाने के पास अभी गाय से भरी हुई मारुति वैन, गाय के सब बताया जा रहा है, जिसमें अवशेष हैं गाय के, और भजनपुरा थाने पे ये हिंदुत्व के कुछ कार्यकर्ता हैं जी, संगठन से बताएं। मनीष भाई नाम बताएं अपना, क्या नाम है? मेरा नाम मनीष अत्री है। मनीष अत्री जी बताएं कि ये क्या मामला है? ये मामला जी ये है कि सुबह सुबह एक गाय से भरी हुई वैन जा रही थी, जिसकी सूचना हमारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों दी, और ये पुलिस वालों ने वैन पकड़ी और इसके अंदर काफ़ी मात्रा में गाय का मांस भरा हुआ है, और शासन और प्रशासन का बड़ा ही ढीला रवैया चल रहा है। सुबह 6 बजे से हम लोग परेशान हैं, यहाँ पर सैंपल लेने के लिए अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया है। कार्यकर्ताओं में इतना भारी रोष है कि अगर जल्दी जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो थाने में भी आग लग सकती है, परंतु ये लोग समझ नहीं रहे हैं और ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है। किसी कार्यकर्ता के द्वारा दी गई थी? जी जी, ये कार्यकर्ता के द्वारा ही सूचना दी गई थी और काफ़ी दिनों से सूचना चल रही है। पुलिस प्रशासन जब काम करता है उनके साथ चलते हैं, उससे पहले काम नहीं करता है। सबसे पहले किसको जानकारी मिली, कौन सा ऐसा कार्यकर्ता था? वो हमारा एक भाई है रोकी राणा, उसके पास फोन आया था, उसने मेरे पास सूचना दी, उसके बाद हम सब यहाँ पे आए, फिर ये पंकज भाई आए थे, सुमित भाई, सभी हम यहाँ पे आए उसके बाद में, और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, परंतु उसके बाद भी 6 बजे से लोग हम परेशान हैं, अभी तक डॉक्टर की कोई टीम नहीं आई सैंपल भरने के लिए, और इतना संवेदनशील मामला है फिर भी लोग बाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैं चेतावनी भी देता हूँ उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं कि या तो सुधर जाओ नहीं तो लठियाई जाओगे बहुत बुरी तरह से, और इतनी बुरी तरह लठियाई हुई तो तुम सोच नहीं सकते हो, क्योंकि अभी तक हम शांत हैं, जिस दिन हम उग्र होंगे तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से एक तरफ जो है साइन बाग और CEA के विरोध में लोग बैठे हुए हैं और एक तरफ जो है गौ हत्या के मामले को लेकर आ रहे हैं, कि आप क्या मानते हैं? ये तो जी कांग्रेस और केजरीवाल की चाल है जी, हमें हिंदुओं को उग्र करने के लिए, ये जान के कर रहे हैं हमारे साथ इस तरह, ये कि हम उग्र हों और हमें बदनाम किया जाए, फिर देश का माहौल खराब करने की साजिश है। ये तो गद्दार हैं, शाहीन बाग में जो बैठे हैं ये हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं साफ साफ, ये हिंदुओं की कब्र खोदने की बातें करते हैं कि हिंदुओं की कब्र खोदेगी AMU की धरती में, तो ये तो हमारा हिंदुओं का बिल्कुल विरोध है साफ साफ। जी भाई साहब बताएं क्या मामला था? यहाँ पर एक वैन पकड़ी गई गंगा विहार सर्विस रोड डी ब्लॉक पर कटोरा रेस्टोरेंट के पास में, और उसमें अवैध मांस पाया गया। हमें उसमें गौ के मांस की तस्करी का विषय दिखाई पड़ा, पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लेकर के और वैन को और जो ड्राइवर था उस्मान उसको गिरफ्तार कर लिया है। मैं यहाँ पर आया था अभी और सभी गौ भक्त यहाँ पर खड़े हैं, सब भारत माता की जय बोलने वाले यहाँ खड़े हैं, और निश्चित रूप से पुलिस का भी हमें बहुत सहयोग मिला, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी हमने दिल्ली सरकार और MCD दो अलग अलग एजेंसियाँ बनाई सैंपल के लिए, अपने सामने ही हमने जो हमारे लोकी भाई है उनको इसका अनुभव ज़्यादा है, और उसके हिसाब से ही हमने यह सैंपल जहाँ जहाँ से कहा बिल्कुल जड़ तक नीचे तक से भी हम सैंपल लिया, हमने बीच से भी सैंपल लिया, हमने आगे से भी लिया, हमने पीछे से भी लिया, यानी कि हमने 6 जगह से सैंपल लिया, ताकि कोई मिक्सिंग वाली बात भी जो हमें डाउट थी कि कुछ दिखाया ऊपर कुछ दिखा दिया नीचे कुछ हो, उसको भी हमने पूरा निकाल के नीचे तक से भी सैंपल लिया है, 6 सैंपल लिए अभी हमने और दोनों ही एजेंसी सैंपल लिए हैं। अरे जी जिस तरह से अभी सैंपल लिया गया है और सैंपल के बाद ये पता लगेगा कि ये गाय थी या मतलब कुछ और था, लेकिन फिर भी इस तरह के क्या खुले में इस तरह से जो मांस की तस्करी करना क्या क्या कितना जायज़ है? जायज कहाँ ठहराया, नाजायज है तभी हम यहाँ खड़े हैं, और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, और अभी उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज अभी होगा। यहाँ जब तक मुकदमा दर्ज होकर पुलिस हमको FIR की कॉपी नहीं देगी तब से यहाँ कोई तब तक कोई जाएगा भी नहीं, और जैसे ही हमको मुकदमा की कॉपी मिल जाएगी यहाँ से सब चले जाएंगे। सैंपलिंग हो गई है, दिल्ली सरकार ने और MCD की जो एजेंसी आई बहुत फोन करने के बाद उन्होंने थोड़ा डिले किया, उस डिले के कारण हमें उन्हें धमकाना पड़ा समझाना पड़ा, तब वो आए हैं और बहुत तरीके से सैंपलिंग हुई है, उनको जो राय नहीं है। सुनने में ऐसा आया कि दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ टीम में डिले किया गया है, दिल्ली सरकार तो चली कचोरी चाल से रही है, उसको
में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है किसी अधिकारी का, लेकिन फिर भी हमने दबाव बना करके सारे साथी यहाँ खड़े हैं और उसको तुरंत इमीडिएट एक्शन लेकर के बुलाया है और सैंपलिंग हुई है, मुकदमा दर्ज हो रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जो भी उसका रिजल्ट। जी भाई साहब, जैसा मेरे प्रिय भाई अभी अजय महावर जी ने पूरा डिटेल से बताया कि प्रातःकाल गाड़ी पकड़ी गई जिसके अंदर मांस था और हमको शक है कि उसके अंदर गौ मांस है। विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है दिल्ली के अंदर, हमारे प्रत्याशी हैं अजय महावर जी, इन्होंने सब कुछ छोड़कर केवल और केवल गौ माता के सम्मान के लिए आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद से प्रेरित है अजय महावर जी। ये चुनाव का विषय नहीं है, पर मैं आप लोग बताने देना चाहता हूँ कि कौन देश के साथ है और कौन देश के खिलाफ है, इस चीज को हमें देखना चाहिए। आज एक गौ माता की यहाँ पर हमको विषय लग रहा है कि गौ माता का मांस है। बहुत सुंदर तरीके से प्रेशर डाल के जिस प्रकार से दिल्ली गवर्नमेंट का डॉक्टर ने बहुत लेट हुआ आने में, पूरा प्रेशर डाला अजय जी ने, वहाँ पर डॉक्टरों को फोन करा और SHO साहब को, पूरा दिल्ली पुलिस पर प्रेशर बनाकर आज इस कार्रवाई को करवाया है। इससे पता चलता है कि भाजपा के जो साथी हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो लोग हैं, वो राष्ट्रवाद के साथ हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, यहाँ पर अभी जो कुछ भी हुआ है सब आपकी जानकारी में है, हम लोग हैं यहाँ पर, FIR दर्ज होगी, मांस के सैंपल ले लिए गए हैं और जो कुछ भी होगा खुलकर आएगा। यदि गौ माता का इसमें मांस हमें निकला तो उसकी कार्रवाई हम आगे करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे और सभी संगठन सभी लोग उनके साथ रहने वाले हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने प्रिय भाई अजय महावर जी का, जो अपने चुनाव के समय में से उन्होंने अपना पूरा समय निकालकर यहाँ खड़े हुए हैं, सुबह काफी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं। अपने सभी साथी एकजुट रहे, संगठित रहे, राष्ट्रवाद के लिए खड़े हो जाएं। हम किसी भी फ्री के प्रलोभन में ना आए, ना फ्री का वाईफाई, ना फ्री का पानी, ना फ्री की बिजली। यदि राष्ट्र बचेगा तो सब कुछ रहने वाला, नेता कुछ भी नहीं रहने वाला। आप जानते हैं इस दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री किनके साथ खड़े हैं? शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। शाहीन बाग कौन? शाहीन बाग वो जहां पर आजादी मांगी जा रही है। आजादी कौन सी? जिन्ना वाली आजादी। जिन्ना वाली आजादी कौन सी? जिसके कारण देश का विभाजन हो गया सन 1947 के अंदर, जिसके कारण देश का विभाजन हो गया सन 1947, वो वाली आजादी की बातें करी जा रही हैं। भजनपुरा, करदमपुरी, सीलमपुर, शाहीनबाग, इंद्रलोक, नूरईलाही, पूरी दिल्ली को बंधक बनाने का प्रयास करा जा रहा है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, जो लोग राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं, वो आज खड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, राष्ट्रद्रोहियों को हराओ, राष्ट्रवादियों को जिताओ। यदि राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, तो हम सब लोग अभी यहाँ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती। मैं अपने प्रिय भाई अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप यहाँ पर आए, हम लोगों की सबकी ताकत बने, हिम्मत बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं क्या नाम आपका? दिल्ली सरकार का पूछना कि दिल्ली सरकार ने क्या करा। दिल्ली सरकार का नाम बताएं, क्या नाम आपका? नाम नितिन अग्रवाल का पुत्र जी। दिल्ली सरकार का जो अधिकारी है उसने मना कर दिया था कि आप सैंपल को यहाँ पे भेजिए, मैं थाने में नहीं आऊंगा जांच करने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सुबह 4 बजे से हम लोग लगे पड़े हैं और यहाँ पे 6 बजे से लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया, और आप ये इस समय टाइम देंगे, आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? और यहाँ पे ये अधिकारी आया नहीं है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से बहुत, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, दिल्ली सरकार के अधिकारी को जबरदस्ती यहाँ पर बुलाया गया है। उसने साफ स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था। यहाँ की स्थानीय निगम पार्षद ने भी अगर फोन करके कहा तो उसने, पार्षद जी ने कहा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, आप मना कर रहे हैं। उसने कहा हाँ जी रिकॉर्डिंग कर दी, मैं मना कर रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा। ये है दिल्ली सरकार, आपकी सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। खुलेआम चुनावी माहौल है यहाँ पे। 100 मीटर पे जो है स्थानीय विधायक रहते हैं श्रीधर शर्मा जी, वो चल के नहीं आए थाने तक। उनकी रैली निकल रही थी, ठीक है, सुबह उनकी रैली निकल रही थी। हालांकि मैं तो जानता नहीं, लेकिन मैं सुनने में आया कि उनके भाई थाने के सामने से निकल के गए और उन्होंने पूछने तक की मतलब जहमत नहीं उठाई कि आप लोग हिंदू समाज तो यहाँ पे इकट्ठा है, जो गोहत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जयकारे नारे लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो आप यहाँ पे धरना कर रहे हो, भजनपुरा थाने के सामने क्यों कर रहे हो? इस थाने पार्षद का इतना उदासीन रवैया, कारण राजनीति चमकाना केवल अपनी मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के लिए। मैं इसे आपके माध्यम से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का संदेश देना चाहूँगा, श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी, 2015 में जो आपकी सरकार बनी है वो केवल मुसलमान या किसी अन्य समुदाय के वोट से नहीं बनी है, उसमें एक जो भारी बहुमत, बहुसंख्यक जो समुदाय वो हिंदुस्तान में निवासी है, यानी कि हिंदू समाज सनातन धर्म को मानने वाला, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति संप्रदाय से आता हो, उसने भी आपको खुल के वोट करा था। और इस बार आप जो लालच दे रहे हैं ना, फ्री बिजली, फ्री वाईफाई, फ्री उसका, यह केवल आपने जो है बेवकूफ़ बनाने के काम करा है, और आपने ऐसा कोई भी